नमस्कार भाइयों, सुप्रभात। रामबन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम जो है जीके का पॉलिटी में एक विशेष टॉपिक ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की भाई, तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर क्या होता है। हालांकि देखिए, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, तो कई बार मौलिक अधिकार मानव अधिकारों को एक मान लिया जाता है। तो पहले बात करते हैं मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। जब इंसान पृथ्वी पर आता है तो उसके जन्म के साथ ही उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं भाई, जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं, ठीक। लेकिन ये जो मानव अधिकार होते हैं, ये किसी देश की सीमा से, किसी संविधान से, किसी कानून से नहीं बंधे होते। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक हैं, और ये अधिकार जो होते हैं ये उस देश के संविधान द्वारा उस नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। तो किसी देश के नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसमें एक देश की सीमा हो गई, संविधान द्वारा दिए गए हो गए। लेकिन मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं जिसको हम, वो किसी देश की सीमा से नहीं बंधे होते। इसका मतलब यह है, अगर एक भारतीय वर्ल्ड विश्व के किसी भी कोने पर जाता है तो वहां पर उसके कुछ अधिकार हैं। किसी भी देश में, विश्व में किसी भी एरिया में जाए तो वहां पर भारतीय के कुछ अधिकार हैं, उन्हें मानव अधिकार कहेंगे। लेकिन भारतीय को कनाडा में जाकर मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते। अमेरिका के नागरिक को अमेरिका में मौलिक अधिकार मिले हुए, भारत में मौलिक अधिकार नहीं मिले होंगे। कुछ है हालांकि जो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार लगभग बराबर होते हैं, वो सभी को हर जगह मिलते हैं। तो याद रखना, मौलिक अधिकार एक देश की सीमा द्वारा चिन्हित होते हैं, ये मान सकते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, ये भी मान सकते हैं। मानव अधिकार पूरी पृथ्वी पर सभी के लिए हैं, उन्हें मानव अधिकार बोलते हैं। अभी हम पहले बात करते हैं मानव अधिकारों की, मौलिक अधिकार के बारे में तो आज हमारा टॉपिक है ही है, मानव अधिकार की। तो देखिए, पहले जो राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था तो वहां पर तानाशाही प्रवृत्ति थी भाई। राजा के सारे अधिकार थे, प्रजा को कोई अधिकार नहीं था। ऐसा होता 1215 ईस्वी में क्या हुआ कि इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अपनी जनता के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए लिखित रूप में, जिसे कहा गया मैग्ना कार्टा की संधि। मैग्ना कार्टा की संधि, अब ये जो थी, ये संधि ऐसी थी जिसमें राजा ने अपने आम जनता के कुछ अधिकारों को स्वीकार किया, जिन्हें आप मानव अधिकार कह सकते हैं, कि आम जनता के भी कुछ अधिकार होते हैं, मनुष्यों के भी कुछ अधिकार होते हैं। ये पहली बार वर्ल्ड में, पहली बार हो रहा था पूरे विश्व में, इससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि जहां पर राजा ने जनता के अधिकारों को माना हो। तो इसीलिए मैग्ना कार्टा की संधि को मानव अधिकारों का पहला घोषणा पत्र कहा जाता है। मानव अधिकारों का पहला घोषणा पत्र क्या है? मैग्ना कार्टा की संधि। किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई, 1215 ईस्वी में हुई। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मानव अधिकार क्लियर हो गया, फिर अभी जैसे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार का। तो जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार भाग 3 में है भाई। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अब क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार है, इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं भैया? भाग 3 को कहते हैं, यह ध्यान रखना। अगर पूछे भारतीय संविधान का दर्पण किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। आईना, दर्पण, चाबी, दरवाजा, संविधान का प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा जाता है, उसको अभी बताएंगे हम। तो संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को, जिसमें कि मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। उम्मीद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मानव अधिकार मौलिक अधिकार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं, लगभग वही चीज़ होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। इसीलिए अगर मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो मानव अधिकारों की बात आएगी, और मानव अधिकारों की जब भी जिक्र होगा तो मैग्ना कार्टा का जिक्र होगा। तो इसीलिए जिस प्रकार से मानव अधिकारों के मामले में मैग्ना कार्टा की संधि का उल्लेख होता है,
ऐसे ही भारत में संविधान के अनुसार जब मौलिक अधिकारों की बात आती है तो भाग तीन में होते हैं। तो इसलिए भाग तीन की तुलना और मैग्ना कार्टा की संधि की तुलना की गई, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग तीन को कहा गया। उम्मीद है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, तो याद रखना अनुच्छेद 12 और 13 जो शुरू के दो अनुच्छेद हैं, ये क्या है, ये समझाया गया है हमें कि भाई मौलिक अधिकार क्या है, क्यों जरूरी है, किसको दिए जा रहे हैं, किससे लिए जा रहे हैं, ऐसा सारा वर्णन यहाँ पर है। अगर मौलिक अधिकार हैं तो क्यों जरूरी है, तो उन्होंने बताया व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, किसी भी नागरिक के या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अति आवश्यक अधिकार होते हैं, जो राज्य द्वारा नागरिक को दिए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं भाई। यहां पर क्लियर हुआ। अब यहां पर शब्द आया राज्य। अब राज्य क्या है, तो राज्य का मतलब याद रखना मौलिक अधिकार के अंदर जब राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकार में, वो राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य हमारी केंद्र सरकार है, राज्य हमारी राज्य सरकार है, राज्य हमारी गवर्नमेंट बॉडी है। ये विषय ध्यान रखना भाई, राज्य का मतलब बहुत व्यापक हो गया मौलिक अधिकारों के मामले में। राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो है ही है, बाकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, वो सभी भी राज्य माने गए हैं। तो अगर हम मौलिक अधिकार कह रहे हैं, तो अगर हम बात पुलिस की कर रहे हैं, जो कि एक राज्य की पुलिस होती है, वो भी राज्य माना गया है। समझ में आ गया भाई। अगर हम डाक विभाग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो भी राज्य है, सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं मान लिया कि भाई पर्यावरण से संबंधित एक मान लिया मिनिस्ट्री बनी हुई है, तो वो भी राज्य है, ठीक है। मान लिया कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, वो क्या है, वो आपके राज्य है। जैसे इंडियन ओलंपिक कमेटी, IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी है, वो भी राज्य है, वो भी राज्य ही माना जाएगा। तो संविधान के भाग तीन में जो राज्य की परिभाषा वो बहुत व्यापक हो गई है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो जब हम बात करते हैं राज्य से ये संरक्षण मिलेगा, राज्य से ये मौलिक अधिकार मिलेगा, तो राज्य का मतलब उससे संबंधित जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, या स्टेट गवर्नमेंट की कोई बॉडी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, वो राज्य कहलाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो भाग 12 और 13 में समझाया गया है, भाग 13 को बहुत महत्वपूर्ण भी माना गया, अनुच्छेद 13 को बहुत महत्वपूर्ण भी माना गया भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ मामलों में अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो उसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू के अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 में सिर्फ समझाया गया मौलिक अधिकार क्या है, राज्य क्या है, इन सबको समझाया गया है। अब बात चलती है 14 से आगे की। तो याद रखना जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे भाई। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 7 मौलिक अधिकारों में से 1978 में एक संशोधन होता है, 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो होता है 1978 में, उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था पहले वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले कैसा था? मौलिक अधिकार था। वर्तमान में कैसा है? विधिक या वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, याद रखना। जब 44वां संशोधन हुआ था उससे पहले संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार जब था अनुच्छेद 31 में था, यानी 12 से 35 भाग 3 के अंदर आ गया। अब 31 से हटाकर इसको कहां पहुंचा दिया गया है? अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है भाई। संपत्ति का अधिकार का वर्तमान उल्लेख अनुच्छेद 300 में, पहले 31 में था, तो ये संपत्ति का अधिकार हटाकर 6 कर दिए गए। तो वर्तमान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हो गए हैं? 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं भारत के संविधान में। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके भाई, अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार पहला, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम इन चारों अधिकार, 6 के 6 अधिकारों की डिटेल में चलते हैं भाई। तो पहला अधिकार जो है वो है समता का अधिकार, या राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। समता मतलब समानता,
समता का मतलब है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक पांच अनुच्छेद में ये अधिकार दिया गया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया जिससे कि लिखने में हमें टाइम नहीं मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, तो उसको भी बचाया जा सके। तो पांच अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, जिसमें समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी है। तो नाम से पता चल रहा समता यानी समानता। इसमें ऐसे अधिकारों का वर्णन है जो नागरिकों के बीच समानता उत्पन्न करते हैं। जो नागरिकों में अंतर आ रहा है, असमानता उत्पन्न हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए जो अधिकारों की जरूरत है उसका उल्लेख इन पांच अनुच्छेदों में, जिसमें सभी भारत के सभी नागरिकों को बराबर माना जाए ऐसा उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार में। भाई तो पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कानून। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, सभी को कानून समान दृष्टि से देखेगा। अगर कोई अपराधी है तो वो ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म का, जाति का या किसी स्थान विशेष का है, उसके लिए सभी समान हैं। अगर कोई व्यक्ति निरपराध है, कोई व्यक्ति कानून से संरक्षण चाह रहा है, तो वो भी सभी के लिए बराबर है। तो कानून की नज़र में सभी समान होंगे, ऐसा अनुच्छेद 14 कहता है भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो अनुच्छेद 15 में पांच तरीके हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? धर्म के, मूल वंश के, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, मूल वंश का, या फिर भारत के किसी भी राज्य में जन्म हुआ है, या फिर वो मेल है या फीमेल है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जब हम जन्म स्थान की बात करते हैं तो ऐसे में ये कहा जाता है कि भाई स्टेट जो है, अपना स्टेट जो है, वो अपने नागरिकों को थोड़ा एक्स्ट्रा सहूलियत दे सकता है। अभी सपोज कीजिए भाई, आप कहें कि भाई जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। अब मान लिया हरियाणा सरकार ने एक कोई योजना चलाई, अब छत्तीसगढ़ के नागरिक उस योजना को नहीं ले पा रहे, तो बहुत से कहेंगे कि ये तो भेदभाव है। ये भेदभाव नहीं, ये संरक्षण है। किसी राज्य द्वारा अपने अपने जो निवासी होते हैं, राज्य के निवासी होते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, इसको भेदभाव नहीं कह सकते। दूसरा, अगर हम लिंग की बात करते हैं तो भाई बात करते हैं कि भाई महिला और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए ये स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस लाइन को ध्यान से सुन लेना भाई, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य चाहे, राज्य फिर वही कह रहा हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, अगर राज्य को लग रहा है कि कुछ विशेष वर्गों को, चाहे वो धर्म है, जाति है, मूल वंश है, लिंग है या जन्म स्थान है, कुछ विशेष वर्गों को विशेष संरक्षण की जरूरत है, जो मेन स्ट्रीम से पिछड़ रहे हैं, तो उनको विशेष सहूलियतें दी जा सकती हैं, वो इसका उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो जैसे अब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, भाई महिला पिछड़ी हुई थी, मतलब महिलाओं को मान, सॉरी किसी को बुरा लगे तो इसको अन्यथा न लेना, लेकिन कुछ मामलों में महिलाएं जो है पुरुषों के बराबरी नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। अब कह रहे हैं कि भाई इस जगह पर 33% रिजर्वेशन दो, इस जगह पर 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, तो ये जो है ये इस चीज का उल्लंघन नहीं है, ये संरक्षण कहलाएगा भाई। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। बिल्कुल सेम है कि जो सरकारी नौकरी होती है वहां पर सभी लोगों को समान माना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन जब 16 के ही अंदर बात करते हैं तो 16 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह का बन जाता है। कोई भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद तुमने लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें डिटेल में बताया जाता है उस चीज को। तो 16 में लिख रहा कि सरकारी नौकरियों में सभी समान रहेंगे, लेकिन फिर रिजर्वेशन तो असमानता उत्पन्न कर रहा है इसी स्थिति में। तो लेकिन भैया यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ विशेष वर्ग जो हैं पिछड़ रहे हैं किसी भी आधार से, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए संरक्षण दिया जाएगा, और संरक्षण क्या होगा? वो रिजर्वेशन होगा भाई। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो जो रिजर्वेशन होता है वो अनुच्छेद 16 में ही वैलिड ठहरा दिया गया है। लोक नियोजन में समानता लिखा हुआ है और अनुच्छेद 16 में ही जो हमारा रिजर्वेशन है उसको वैलिड ठहरा दिया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, कि भाई ये ऊंची जाति नीची जाति का जो सिस्टम हुआ करता था पहले, उस सब को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी छुआछूत का अंत करता है भाई। ओके, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधि पहले जो है, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के टाइम में कुछ उपाधियां दी जाती थी अलग अलग लोगों को,
जैसे हम बात करते हैं कि केसरे हिंद गांधी जी को कहा अंग्रेजों ने, ठीक है, तो सर दयाराम साहनी, ऐसे हम नाम पढ़ते हैं, ठीक, ऐसे अलग अलग नाम पढ़ते हैं। जैसे अभी की बात करें क्रिकेट में भी सर जडेजा की उपाधि, सर को मतलब जडेजा जो है उनको सर की उपाधि दी गई, तो इस तरह की उपाधियां चलती थी पहले, अब तो नॉर्मल हो गया है, ये सब चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। पहले बहुत उपाधि थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली है, सभी जानते हैं। बीरबल को अकबर ने बीरबल की उपाधि, मतलब बीरबल को अकबर द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, राजा बीरबल कहा जाता था। पहले अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारी उपाधियां थी जो उपाधियां भेदभाव उत्पन्न करती थी समाज में। किसी कोई छोटे से गांव की कल्पना कीजिए और छोटे से गांव के अंदर किसी को कोई उपाधि दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा, तो वो जो जिसको उपाधि दी गई है वो गांव का सर्वोच्च मान लिया गया, अच्छी सी उपाधि दे दी तो वहां भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। ऐसी उपाधियां जो भेदभाव उत्पन्न करती है उनको अब समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो शिक्षा की उपाधि है, जो हमारी फोर्थ स्टेज की उपाधि है वो चलेगी। शिक्षा की उपाधि का मतलब क्या है, अगर किसी भाई ने PhD कर ली तो उसे डॉक्टर कहा जाएगा, ये उपाधि है। किसी ने लॉ कर लिया तो उसे वकील जी, वकील साहब बोलेंगे, ये भी उपाधि हो गई। आर्मी में जाते हैं हम, आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में जाते हैं, तो उन व्यक्ति को या जो भी ऑफिसर हैं उनको उपाधि के अनुसार मेजर साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ये सब उपाधियां मिली होती हैं, ठीक है। तो ये जो है सेना की उपाधि, एजुकेशन की उपाधि वैलिड होगी यहाँ पर अनुच्छेद 18 के अनुसार, बाकी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। ये सारे के सारे 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो लोगों के बीच समानता उत्पन्न करते हैं, बराबरी उत्पन्न करने का काम करते हैं। समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अगला जो अधिकार आता है वो आता स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। यहां पर 4 अनुच्छेद हैं, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 19, वाक अभिव्यक्ति निरायुध सम्मेलन संघ बनाने, भ्रमण करने, निवास करने, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। पहला है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। बात हम इसकी कर रहे हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता देता है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। कैसे कर सकता है, वो चाहे तो एक कोई लोगों का गैदरिंग कर सकता है, उसमें अपने विचार प्रकट कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, उस पर विचार प्रकट कर सकता है, किसी अखबार में लेख दे सकता है, किसी टीवी चैनल के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर टीवी चैनल पर भी आ सकता है, वो अपने विचार रख सकता है, ठीक। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप एक पुस्तक लिख रहे हैं, पुस्तक में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप मैगजीन के लिए कार्टून बना रहे हैं, वहाँ पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं कार्टून के माध्यम से। जैसे पहले पंजाब केसरी में एक कार्टून आया करता था डेली एक, तो वो एक उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका था। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत व्यापक है, किसी भी तरह से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर, दिखाकर, लिखकर, छापकर, या और तो और चुप रहकर भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं भाई। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर एक छोटा सा उपबंध आता है जिसे हम बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 का एक पार्ट है, वाक अभिव्यक्ति उसके अंदर पार्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता निरायुध सम्मेलन, यानी हम सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र है, शर्त यह है कि उसमें हथियार नहीं होंगे, निरायुध होगा, आयुध मतलब हथियार, तो बगैर हथियारों के सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 19 में। तीसरा है संघ बनाने की, हम अपना कोई समूह बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, इससे कोई नहीं रोक सकता, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है भाई। भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी स्थान पर हम भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी इच्छा है दार्जिलिंग घूमने जाने की हम जा सकते हैं, हमारी इच्छा है कश्मीर घूमने जाने की, हमारी इच्छा है ऊटी घूमने जाने की, हमारी इच्छा है माउंट आबू घूमने जाने की, तो हम जा सकते हैं। ये बुरा मत मानना कि सारे ही हिल स्टेशन का नाम क्यों लिया, आप चाहें तो रामेश्वरम जा सकते हैं,
आप चाहे तो अजमेर शरीफ जा सकते हैं, आपकी इच्छा है कहीं भी घूमने जा सकते हैं, तो कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भ्रमण करने का मतलब ये होता है कि जो आम लोगों के लिए स्थान खुले हुए हैं आप उनमें घूमने जा सकते हैं। भ्रमण करने का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि जी मेरी तो मेरा तो अधिकार है, मैं तो राष्ट्रपति भवन में घुसूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। या आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में थोड़ी घुस जाएंगे कि भैया आपका अधिकार है, किसी गांव में गए दूसरे के गांव में और जाकर किसी के मकान में थोड़ी घुस जाएंगे भैया। तो आपको अधिकार है सार्वजनिक स्थल पर सभी के लिए जो ओपन है उन जगहों पर घूमने का अधिकार है, वहां से कोई नहीं रोक सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, या जो मिलिट्री एरिया है वहां पर नहीं जा सकते, जो सेंसिटिव जोन है वहां पर नहीं जा सकते। इसके हर चीज के कुछ ना कुछ व्याख्या दी गई है कि भैया यहाँ पर ये लागू होगा यहाँ पर नहीं होगा, इतना तो खैर सभी समझते हैं भाई। तो भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, इसी के तहत भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं किसी भी राज्य के नागरिक हैं लेकिन किसी भी राज्य में प्रॉपर्टी खरीद कर आप अपना मकान बना सकते हैं। आप चाहें तो आपका मकान बंगलौर में भी हो सकता है, आपका मकान चंडीगढ़ मोहाली में भी हो सकता है, आप चाहें तो जमशेदपुर में जाकर मकान बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ पर मकान बनाना है, कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है। ये स्वतंत्रता भी मिली हुई है हमें अनुच्छेद 19 के तहत। पहले अनुच्छेद 370 जब लग रहा था जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर बाहर के लोग नहीं खरीद सकते थे, अब उसको भी खोल दिया गया है। तो ये अपवाद जो होते हैं उनको भी ध्यान रखना है। उसी जहाँ पर जिस अनुच्छेद में कोई स्वतंत्रता दी गई है उसी अनुच्छेद में उसके अपवाद की व्याख्या की गई होगी, ये भी ध्यान रखना भाई। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप चाहें तो कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि भाई आपको कोई व्यापार करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर व्यक्ति निर्धारित है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहें तो लोहे का व्यापार करें, आप चाहें सोने का व्यापार करें, आप चाहें तो खेती से जुड़ा हुआ व्यापार करें, चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब करें, ये आपका अधिकार है। आप क्या चुनना चाहते हैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ हमारे यहाँ पर व्यापार है जिनके लिए हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनको हम गवर्नमेंट से लाइसेंस भी नहीं मिलेगा जिनके लिए। अब आप व्यापार डील करना चाहें भाई कि हमें तो भाई परमाणु ऊर्जा से संबंधित डील करनी है, तो वो गवर्नमेंट कैसे व्यापार करने देगी भाई, आप समझ सकते हैं। अभी मान लिया हम कहें कि भाई हमारा व्यापार है, हम शराब बनाएंगे घर में और बेचेंगे, गैरकानूनी हो जाएगा भाई वो, तो ऐसा नहीं है भैया। बाकी जो नॉर्मल व्यापार हैं, लीगल व्यापार हैं, उनको करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। ठीक है, कौन सा व्यापार करना है ये आपके विवेक पर आधारित है, आपका विवेक निश्चित करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति निश्चित नहीं करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो एक बार फिर से वाक अभिव्यक्ति, निरायुध सम्मेलन, निरायुध सम्मेलन का मतलब क्या है, बिना हथियारों के सम्मेलन, संघ बनाना, भारत में कहीं भी घूमना, भारत में कहीं भी निवास करना और कोई भी व्यापार या वृत्ति या आजीविका अपनाना, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है। ऐसा भी सवाल बन सकता है अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता भाई। ओके, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह बहुत व्यापक है भाई अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की जब बात करते हैं तो ये अपराधों से दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, पहली बात। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। तीसरी बात, यह भी ध्यान रखना है किसी व्यक्ति को अगर सजा मिलेगी तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो वर्तमान में जिस दिन उसने अपराध किया है उस दिन जो कानून लागू है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। अब यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, किसी व्यक्ति को उसके अपनी विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी का तहत एक प्रोविजन है, आपने सुना होगा नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, सोडियम पेंटाथलन इंजेक्शन लगाया जाता है, इंसान सही बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन की बात करें या फिर हम सोडियम पेंटाथलन की बात करें, तो जब ये पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होते हैं तो आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, न्यूज पर सुना होगा कि भाई मांग की जा रही है कि इसका नार्को टेस्ट हो, लेकिन उससे पूछा जाएगा अपराधी से, और सॉरी अपराधी नहीं कह सकता, सॉरी मैं अपने वर्ड को वापस लेता हूँ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपका नार्को टेस्ट करना है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उससे पूछ कर ही नार्को टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो
अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा अनुच्छेद 20 में कहता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर एक चीज़ कहेंगे जी, फिर ऐसे तो कोई भी तैयार नहीं होगा। याद रखना, ये कहाँ पर लागू होगा? आम लोगों के लिए, जिस पर कोई कभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, जो पहले से ही अपराधी है, बहुत सारे अपराध सिद्ध हो चुके हैं और वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस पर ये सब नियम लागू नहीं होंगे भाई। ठीक है, ओके। तो नार्को टेस्ट में जो परमिशन ली जाती है वो अनुच्छेद 20 के तहत ली जाती है। दूसरा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, दो बार नहीं। ये भी क्लियर है, ओके। तीसरा, हमने बताया जो कानून प्रचलन में है उस समय जब उसने अपराध किया उसी के तहत सजा मिलेगी। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने किसी महीने की 5 तारीख को कोई अपराध किया, अपराध किया क्या, चोरी की उसने। अब चोरी जो थी, चोरी की सजा मान लिया, जब उसने चोरी की, जिस प्रकार की चोरी की, उस समय 2 वर्ष की सजा थी, 5 तारीख को। 7 तारीख को ये जो चोरी की सजा है ये 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई या 7 वर्ष कर दी गई। ठीक है, मान लिया ये कानून चेंज हो गया 7 तारीख को, उसने चोरी की 5 तारीख को, 7 तारीख को कानून चेंज हो गया, उसी महीने में या उससे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो गिरफ्तार में हो गया, कानून की गिरफ्त में आ गया, उस पर मुकदमा चलता, कोर्ट में बात पहुंचती है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मान लिया वो कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट उसको कहता जी आपको 5 वर्ष की सजा दी जाएगी, चोरी की सजा 5 वर्ष है। तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन उसने अपराध किया उस दिन चोरी की सजा 2 वर्ष थी, वो उस सजा से ज़्यादा बढ़कर सजा नहीं दे सकते यहाँ पर, क्योंकि ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो उसे जिस दिन उसने अपराध किया है उस दिन के हिसाब से ही उसे सजा निर्धारित होगी। दूसरी बात समझ में आ गया होगा, ये यानी कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का फेवर देखा जाएगा। सपोज कीजिए कि जिस दिन उसने अपराध किया उसके कुछ दिन बाद वो सजा कम हो गई, आसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट चाह रहा है और अपराधी भी चाह रहा है, क्योंकि अपराधी तो अपने फेवर में सोच रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति चाहे और कोर्ट चाहे तो उस सजा को नए कानून के तहत अगर कम है, व्यक्ति के हित में है तो दिया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के हित के अनुरूप नहीं है तो ऐसे में नई सजा को नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 20 में संरक्षण है भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 21 आ जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति के अगर राज्य को प्राण हरने हैं तो वो पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत ही, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति के प्राणों को हर सकता है किसी राज्य द्वारा। ठीक है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आ गया। व्यक्ति को फांसी दी जानी है राज्य द्वारा तो पूरा प्रोसेस होगा, उसको फॉलो करेंगे तो ही दे सकते हैं, ऐसे नहीं उसको फॉलो करे बगैर नहीं दिया जा सकता उसको प्राण दंड जो है, क्लियर है। और उसको जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसको जो गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके मामले में भी, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 21 में ये व्यवस्था की गई है। उम्मीद है क्लियर हो गया, ओके। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसको सॉरी वो यहाँ पर आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार लगा दिया, और यहाँ गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण वही बात आ गई जो मैं 24 घंटे कह रहा था, वो यहाँ नहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे। नियम है कि भाई इस टाइम रात में इस टाइम उसको सोने से नहीं रोका जा सकता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और उसके बाद फिर गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 22 में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें स्वतंत्रताएं मिली हैं 4 अनुच्छेदों में, जिन्हें स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में मिली हुई है। अनुच्छेद 20 कहता अपराधों के लिए, 21 कहता प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और जो हमारा राइट टू एजुकेशन वाला आया अनुच्छेद 21A में जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नॉर्मल वे में क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा और डीप देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, अब यहाँ पर एक शब्द आता है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अगर हम व्यापक अर्थ कहें तो इसे कहते हैं जीने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। लेकिन जब इसकी व्याख्या की जाती है तो वो बहुत ही बड़ी व्याख्या है। तो
तो अनुच्छेद 19 किसी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार प्रदान करता है। अगर उसको जीवित रहने के अधिकार को छीना जाता तो वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा होगा। और जीवित रहने का अधिकार जो होता है वो क्या होता है? गरिमा के साथ जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, स्टेटस के साथ जीने का अधिकार कहता है। तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। जीने के अधिकार के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जीने के अधिकार के अंदर जब बात करें कि भाई हमारे जो सम्मान से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी इसी में आ जाती है। जैसे अगर व्यक्ति जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि केवल हम सांस ले रहे हैं, जीने के अधिकार का मतलब ये भी है कि वो सम्मान जी रहा है। अगर उसके सम्मान के लिए, उसके जीवन के लिए कोई भी चीज आवश्यक है तो उसको यहां पर शामिल किया जा सकता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, क्योंकि अगर व्यक्ति जी रहा है और वो शिक्षित है तो उसकी गरिमा बढ़ रही है, उसका सम्मान बढ़ रहा है, तो ये भी उसका अधिकार जीने के अधिकार के अंदर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में व्याख्या की थी कि भाई जीने के अधिकार में सोने का अधिकार भी है, नींद लेने का अधिकार भी है, ऐसी व्याख्या भी यहां पर की गई है भाई, क्योंकि वो सब जीने का अधिकार बहुत व्यापक हो गया भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जो सम्मान और गरिमा से संबंधित चीजें आती हैं, जीने जीवित रहते हुए सम्मान और गरिमा की बात है, वो सारी की सारी अनुच्छेद 21 में शामिल हो जाते हैं भाई। तो भाई ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए एक एक शब्द पर मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों के एक एक शब्द पर, निवास करना, वाक अभिव्यक्ति, इन शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट में, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस होते हैं, 5 जजों की बेंच बैठती है, 7 जजों की बेंच बैठती है, और वो एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, जब तो उसमें निर्णय सुनाया जाता है एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए। उस पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलते हैं, केस चलते हैं, ये है, एक वकील कहता है इसका मतलब ये है, दूसरा वकील कहता है ये है, फिर 5 या 7 जजों की पीठ बैठती है और वो निर्णय करती है कि इसका मतलब ये है। तो याद रखना भाई, बहुत बड़े लेवल की चीज़ है मौलिक अधिकार। एक एक शब्द पर एक एक पुस्तक तैयार की जा सकती है, जिसकी व्याख्या करने के लिए इतने, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसकी इतने बड़े कानूनविद जो होते हैं उनकी पीठ बैठती है और वो निर्णय सुनाती है, और फिर उस निर्णय को अगली पीठ कई बार बदल भी देती है। कई केस ऐसे हुए जहां पर एक पीठ ने कहा ये, 10 साल बाद उसके निर्णय को दूसरा निर्णय बदल दिया गया। तो ये सब चलता है। तो इसका मतलब ये है कि इनका अर्थ बहुत गहराई लिए हुए है। एक एक शब्द पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों का मतलब ये है कि जब हम इनका एक्सप्लेनेशन करें तो पता चलता है मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने के लिए ही हमें पूरे 1 महीने की क्लास की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। लेकिन इतना सब तो करना नहीं है, हमें तो जीएस के हिसाब से पढ़ना है। जब हमें जीएस के हिसाब से पढ़ना है तो इसलिए हमें बस थोड़ा सा उसके अंदर, जैसे हमने कहा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब, मैंने कहा जीने का अधिकार, और जीने का मतलब गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, तो इससे संबंधित कोई भी चीज आ रही है तो आप उसके अंदर ढूंढेंगे। जब वाक अभिव्यक्ति बताया तो मैंने वाक अभिव्यक्ति में बहुत सारी चीजें बता दी कि अपने बातों को कैसे भी अभिव्यक्त किया जा सकता है, लिख कर सकते हैं, प्रेस में कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, चुप रहकर कर सकते हैं, भाषण देकर कर सकते हैं, कार्टून बनाकर कर सकते हैं, बहुत सारे कैसे भी व्यक्त करना है। तो ये बहुत व्यापक अर्थ है इनके भाई। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं और अगर ऐसा मौलिक अधिकार संबंधित कोई गहराई का क्वेश्चन आता है तो बस आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में सोचिए कि कौन से अनुच्छेद में क्या हो सकता है। तो इसको थोड़ा वाइड रूप में सोचना हमारे भाई, ठीक है। बाकी तो देखिए बहुत गहराई है, बहुत ही ज़्यादा गहराई है मौलिक अधिकारों के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा जो अधिकार चलता है भाई, तो नेक्स्ट है भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभी तक हमने पढ़ा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 यानी सिर्फ 2 अनुच्छेदों में शामिल है, ठीक है भाई। अब ये जो 2 अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिबंध का प्रतिषेध है, दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है कौन से में भैया? अनुच्छेद 23 में। अब ये क्या होता है मानव के दुर्व्यापार, इसके अंदर एक शब्द आ जाता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है,
दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, यानी कि जैसे पहले टाइम में जो दास होते थे उनको खरीदा और बेचा जाता था, ऐसा व्यापार नहीं किया जाएगा मनुष्य का। पहला प्रतिबंध तो ये है। दूसरा है बाल श्रम, किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जाएगा। अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है कहीं पर कार्य करने की, मजदूरी करने की, तो उससे जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जाएगी। बंधुआ मजदूर नहीं रखा जाएगा। आप कई बार सुनने में आता है कि भाई हम न्यूज़पेपर वगैरह में आता है कि वहाँ से सरकार ने इतने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। तो बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो फैक्ट्री या कंपनी के मालिक है वो क्या करते हैं कि किसी कुछ मजदूरों को फिक्स कर लेते हैं कि आप यहाँ से बाहर कहीं जाकर काम नहीं कर सकते, जबरदस्ती उनसे काम कराते हैं, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो उसको भी इल्लीगल घोषित किया गया अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है भाई, ओके। अनुच्छेद 24 कहता कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक। तो देखिए अनुच्छेद 24 जो था इसमें मूल रूप से क्या था, 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक स्थान जैसे खान हो गया या कारखाने हो गया, ऐसे स्थान जहां पर खतरा होता है वहां पर डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, वहां पर उनको नहीं लगाया जा सकता, वहां पर उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता। मूल संविधान में ये था, खतरनाक स्थानों पर 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब इसको चेंज करके 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। तो 14 वर्ष तक के बच्चे से के कार्य पर जो रोक लगाया गया इसे कहते हैं बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा भैया? अनुच्छेद है 24। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, चार अनुच्छेद में। तो जो हमारी पहला अधिकार था वो 5 में था, दूसरा 4 में, फिर तीसरा 2 में, फिर ये 4 में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, यानी धर्म से संबंधित स्वतंत्रताओं के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला है धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने और अंत्यकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अनुसार अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसके धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, और अंत्यकरण, अंतकरण मतलब हमारी जो आंतरिक भावनाएं होती है उनमें वो स्वतंत्र है। ठीक है, अब ये जो सब चीजें हैं, धर्म को मानना, प्रचार करना, आचरण करना, धार्मिक कार्य क्रियाकलापों को करने की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है। ऐसे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सिख लोग होते हैं उनको कृपाण रखने की अनुमति अनुच्छेद 25 देता है, क्योंकि उनके धर्म में कृपाण है। तो इसीलिए उसी के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख लोग कृपाण रख सकते हैं भाई। ठीक है, ओके। जब हम प्रचार करने की बात करते हैं तो हमें प्रचार जो करना है, हमें जो धर्म मानना है वो कैसे होगा, कैसे मानना है कि भाई हम अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें स्वतंत्र है। लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण, लालच के द्वारा धर्मांतरण, भय के द्वारा धर्मांतरण, ये सब इल्लीगल है। ठीक है, स्वैच्छिक रूप से धर्मांतरण लीगल है, याद रखना इस चीज में। स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से धर्म को चेंज किया जा सकता है, लेकिन भय दिखाकर या लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, धर्म को चेंज कराया जा रहा है, तो वो इल्लीगल है इसके अनुसार भाई। ओके, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो जो धार्मिक कार्य होते हैं उनका मैनेजमेंट वो धर्म से जुड़े हुए लोग करेंगे, इस मामले में भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा, अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, कर यानी टैक्स। ठीक है, अगर कोई भी टैक्स का पैसा किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए जा रहा है, किसी विशेष धर्म के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे कर को देने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे कर को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशेष धर्म के फेवर में जा रहा हो। मान लिया गवर्नमेंट टैक्स लगा दे कि भाई ये जो टैक्स का पैसा है ये मंदिरों के उद्धार के लिए लगाया जाएगा, या ये जो टैक्स है ये मस्जिदों के लिए लगाया जाएगा, ये जो टैक्स है ये चर्च के लिए जाएगा इसका पैसा। ऐसे टैक्स के पैसे को देने के लिए गवर्नमेंट लोगों को बाध्य नहीं कर सकती किसी एक विशेष धर्म के
मतलब अभिवृद्धि के लिए जो पैसा लगाया जाएगा, मतलब टैक्स लगाया जाएगा, उस टैक्स को देने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं कर सकती, ऐसा अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में स्वतंत्रता। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो गवर्नमेंट से सहायता मिलने वाले स्कूल हैं, उनमें पहली बात तो धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, और अगर धार्मिक कोई उपासना हो रही है तो उसमें हमें हिस्सा लेना या नहीं लेना, छात्रों को हिस्सा लेना या नहीं लेना, ये छात्र स्वतंत्र है। मान लिया कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर हिंदू धर्म के लिए प्रचार किया जा रहा, धार्मिक उपासना हो रही है, तो उसमें जो ईसाई स्टूडेंट है उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लिया क्रिश्चियन स्कूल है, उसमें हिंदू या मुस्लिमों को बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है। समझ में आ गया भाई? तो धार्मिक शिक्षा जो है अलाउ नहीं की गई है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है वो आगे क्लियर होगी। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक भाई। लेकिन जब हम चलते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, ठीक है, दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। याद रखना, शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया। जब देश का विभाजन हो रहा था, उसी समय हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने देखा कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखना है, तो इसलिए ये वाला अधिकार लगा दिया है यहाँ पर, मौलिक अधिकार, ठीक है, ओके भाई। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पहली चीज क्लियर दिख रहा है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों की स्थापना कर सकते हैं और उनमें प्रशासन करने का उनको अधिकार है। इसीलिए जैसे मैं अभी बता रहा था, कंट्रोवर्सी है। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक लोग धार्मिक आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं, ये कंट्रोवर्सी है। वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है धर्म के आधार पर नहीं होगा, यहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें धार्मिक आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की भी सहूलियत दी गई है अनुच्छेद 30 में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शिक्षा और संस्कृति, ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है, एक तरह से उसी को एक्सपेंड किया गया जिससे अल्पसंख्यक लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 30 पर आ चुके हैं, इसके बाद आता है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब निरसित कर दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में जो ये अधिकार दिया गया है भाई, इसमें क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि ये एक तरह से मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। तो इसको बहुत सारे कहते हैं ये मौलिक अधिकार नहीं, ये उनका रक्षा उपाय है, अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा का उपाय है, रक्षोपाय है, ठीक है। तो एक तरह से अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इस भाग के द्वारा या इस मौलिक अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इस अधिकार को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। संविधान का क्या कहा गया? हृदय और आत्मा, सॉरी थोड़ा सही लिख देते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने। अब आप अंदाजा लगा सकते कितना महत्वपूर्ण होगा ये, ठीक है। तो ये जो अधिकार है ये अन्य अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करता है। अब आ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब हम अनुच्छेद 32 में कहते हैं कि ये रक्षा करता है अन्य अधिकारों की, तो अन्य अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, रिट आदेश लेख जारी करता सुप्रीम कोर्ट।
ये याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक, रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 5 रिट जारी करता सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में, लेकिन हाई कोर्ट की शक्ति रिट जारी करने में ज्यादा है। ये याद रखना, रिट दोनों जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से ज्यादा हाई कोर्ट की शक्ति है कुछ मामलों में, जैसे ये 5 रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है, एक एक्स्ट्रा है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता मौलिक अधिकार के मामले में भी प्लस वैधानिक अधिकार के मामले में भी, इसलिए उसका क्षेत्र ज्यादा है हाई कोर्ट का इस मामले में। ठीक है, तो अभी हम अनुच्छेद 32 पर आ रहे हैं। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता सुप्रीम कोर्ट, और इसमें कितने रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। 5 रिट में जो सबसे पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ये जो हम लिख रहे हैं हैबियस कॉर्पस वगैरह, ये सब भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इनके लैटिन नाम भी पूछे जाते हैं कई बार। कई बार होता है मैच करा देता है लैटिन नाम से, कई बार होता है कि इसका मतलब क्या है लैटिन नाम में, तो हैबियस कॉर्पस लैटिन है, इंग्लिश नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से पता चल रहा है बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। यदि किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है, गिरफ्तार किया है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की, कि भाई आपने जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको मेरे सामने लाया जाए, जिससे कि सिद्ध हो सके वास्तव में वो अपराधी या नहीं है। तो जब व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट अपने सामने प्रत्यक्ष करने के लिए कहता, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष करने के लिए कहता है, तो उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस, सशरीर उपस्थित करो, इसका मतलब क्या होता है, सशरीर उपस्थित करो, बंदी को सामने लाना है। ऐसा नहीं कि भैया आपने फोन से सुना दिया या ऐसे नहीं, सशरीर उपस्थित करो, इसका मतलब ये होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो पहली रिट, जब बंदी को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस बंदी को सुप्रीम कोर्ट अपने सामने बुलवाता है कि इसे मेरे सामने लाइए और सिद्ध कीजिए ये अपराधी है, तो उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा भाई, दूसरी जो है वो क्या है, वो है परमादेश। परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस, परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश, परमादेश का मतलब सबसे बड़ा आदेश। ठीक, आ जाते हैं भाई। तो ये जो परमादेश होता है, इसका मतलब ये है कि किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है कि आपका ये कर्तव्य है, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो गवर्नमेंट ऑफिस वाले उस कार्य को करने से मना करते हैं जिसके लिए वो मतलब लीगल रूप से नियुक्त किए गए हैं। मान लिया आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में ऑफिसर आनाकानी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कहेगा, परमादेश देगा, परम मतलब सबसे बड़ा आदेश देगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आप इसी के लिए नियुक्त हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाता है तो उसे बोलते हैं परमादेश या मैंडेमस। ठीक है, ओके। इसके बाद एक आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रोकना, प्रतिषेध रोकना। अगर कोई भी ऑफिसर है जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर, मान लिया उसकी लिमिट ये है, वो यहां तक तो कर ही रहा, इससे बाहर भी अपना परचम लहराना चाह रहा है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर के कामों में रंगाड़ा रहा है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसे रोकता है, प्रतिषेधित करता है, रुक जाओ भाई, आपकी लिमिट ये है, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। जब कोई भी ऑफिसर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है जिसे प्रतिषेध बोलते हैं, कि आपकी लिमिट ये है, इससे बाहर नहीं जाना आपको, तो उस रिट को बोलते हैं प्रतिषेध। कितनी रिट हो गई है भाई, रिट हो गई है अभी हमारी 3 रिट। इसके बाद चौथी रिट आती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण,
उत्प्रेषण क्या होता है, पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये ऐसी रिट है जो केवल कोर्ट में लागू होती है, यानी केवल न्यायालय में ही लागू होती है जनरली। अब ये जो उत्प्रेषण होता है ये क्या होता है, जब कोई मैटर निचले कोर्ट में चल रहा है उस मैटर को ऊपर के कोर्ट में मंगाया जाता है। मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर है, हाई कोर्ट में मंगाए, या हाई कोर्ट में मैटर है सुप्रीम कोर्ट में मंगाया जाए कि भाई आपके लिमिट से बाहर है आप इसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऐसे को बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण क्लियर हो गया, उम्मीद है क्लियर हो गया। उत्प्रेषण मतलब नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट में मंगाना। ठीक है, कॉर्टीरियरी, कॉर्टीरियरी बोलते हैं इसको, कॉर्सियरी भी बोल देते हैं, टी भी बोल देते हैं, शी भी बोल देते हैं, कॉर्सियरी। ठीक है, कॉर्सियरी या कॉर्टीरियरी। तो ये उत्प्रेषण होता है जब नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट की तरफ मैटर मंगाया जाता है, तो उत्प्रेषण। अभी देखिए भाई, इनमें आपको जो ध्यान रखना है, ये जो मैं बोल कर बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, आपके पाँचों रिट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब लास्ट रिट रह गई अधिकार पृच्छा। नाम से ही हर चीज का पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अधिकार पृच्छा, को वारंटो, को वारंटो, ठीक है, को वारंटो, हिंदी में लिखना चाहे तो इसको, लैटिन नाम को वारंटो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है भाई? ठीक है, देखिए, अधिकार पृच्छा, नाम से पता चल रहा अधिकार पूछना। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अनऑथराइज्ड रूप से किसी पोस्ट को धारण करता है, किसी पद को धारण करता है, ऐसी पोस्ट पर, मान लिया मैं बैठा हूँ ऐसी पोस्ट पर जिसके लायक नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन उस लायक नहीं है, तो अनधिकृत रूप से, गैरकानूनी रूप से अगर कोई ऑफिसर किसी पद को धारण करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता, अधिकार पूछ रहा है उससे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपका अधिकार क्या है इस पोस्ट को धारण करने का, आप ये लिखित में दीजिए हमें कि आप किस अधिकार के तहत इस पोस्ट को धारण कर रहे हो, तो इसको बोल दें को वारंटो या अधिकार पृच्छा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये जो पाँच रिट जारी की जाती हैं ये किस लिए की जाती है भाई? जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये छठा अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई, अनुच्छेद 32 में खत्म हो गया। लेकिन फिर आते 33, 34, 35, इनमें क्या है भाई? इनमें 33, 34, 35 में आगे क्या बताया गया है कि भाई हमने मौलिक अधिकारों के शुरू में बता दिया क्यों जरूरी है, परिभाषा बता दी, फिर मौलिक अधिकारों की डिटेल बता दी, बाद के तीन की जरूरत कहाँ पड़ी? बाद के तीन की जरूरत पड़ी कि ये जो मौलिक अधिकार गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, राज्य द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, तो इनका एक्सप्लेनेशन किया गया कि कुछ कंडीशन में ही सीमित कर दिए जाएंगे। कैसे सीमित कर दिए जाएंगे? कि भाई हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये जो हमारी आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, इनको सारे मौलिक अधिकार नहीं मिलते। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे आर्मी के लोगों को नहीं मिल सकती भाई। मालूम है सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, उनके पास सेंसिटिव जानकारी होती है, अब उन सेंसिटिव जानकारी को वो ओपन करने के लिए स्वतंत्र थोड़ी हो सकते हैं भाई। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब इनके बारे में डिटेल में अगले अनुच्छेदों में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, जो कुछ पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट कि ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका रक्षक कौन है? रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, पहली चीज ये आपको नोट करना। मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? स्थगित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति ही के पास पावर होती है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित यानी पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, लेकिन याद रखना समाप्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, ये विशेष ध्यान रखना है। कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे, राष्ट्रपति जी स्थगित करते हैं तो कैसे होता है वो? देखिए, जब देश में आपातकाल होता है, आपातकाल 352, 356, 360 में वर्णन है उनका, तो जब आपातकाल होता है
तो ऐसी स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार है, पहला अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार, जैसे ही अनुच्छेद 352 लागू होता है, ये स्वतः ही स्थगित हो जाता है। सबसे पहले ये स्थगित होता है। आपातकाल की घोषणा हुई, अनुच्छेद 19 स्थगित हो गया। इससे अलग जो हमारे अन्य हैं, जो हमारे अन्य मौलिक अधिकार हैं, इनको राष्ट्रपति स्थगित करते हैं, लेकिन उसके लिए सर्कुलर जारी करते हैं। ये तो अपने आप ऑलरेडी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, ये अनुच्छेद 19 का अधिकार सबसे पहले स्थगित हो जाता है। बाकी को राष्ट्रपति जी द्वारा सर्कुलर जारी करके स्थगित किया जाता है। तो यहाँ बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग होते ही स्थगित हो जाता है, तो वो कौन सा? अनुच्छेद 19 का अधिकार। बाकी कैसे होते हैं? राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं कि अब ये उस दिन से ये स्थगित है, उनके लिए घोषणा करनी पड़ती है भाई, ठीक है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में स्थगित नहीं हो सकते, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अरे ये यहां पर हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल में भी स्थगित नहीं होते। बहुत पूछा जाता है कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी स्थगित नहीं होते। सबसे पहले ये स्थगित हो जाता है, और को सर्कुलर जारी करके किया जाता है, इनको कैसे भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऐसा तो है नहीं कि इमरजेंसी चल रही है और जिसकी सजा एक वर्ष थी उसे फांसी लटका दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे तो 352 लगी हुई है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को तभी भी नहीं छीना जा सकता, गिरफ्तार किया जा सकता है, ये किया जा सकता है ना, 352 लग रही है तो लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है भाई। यहाँ पर थोड़ी सी लूज पॉइंट हो जाएगा, इसको रोका जा सकता है, इनको नहीं रोक सकते भाई। तो इसलिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी स्थगित नहीं किया जा सकता, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इसके बाद यहीं पर आ जाते हैं। अब हम कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशी को नहीं मिले हुए। जो विदेशी नागरिक होते हैं जो भारत में आ रहे हैं उनको ये नहीं मिलते। अब देखिए 15-16, जबकि हम बात करते हैं धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 लोक नियोजन में समानता, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए 15 और 16 पर अगर आप ध्यान देंगे तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भाई एक बात बताइए, इंडिया में किसी का जन्म इंडिया में हुआ और किसी का किसी दूसरे देश में हुआ है तो सभी को बराबर नहीं मान सकते, तो यहाँ तो भेदभाव करना पड़ेगा भारत के और विदेशी नागरिकों में, तो पक्का है ये विदेशियों को नहीं मिल सकता। लोक नियोजन में समानता, भारत में सरकारी नौकरी चल रही है तो क्या हम किसी दूसरे देश के व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे? नहीं दे सकते भाई। SSC में वैकेंसी निकली हुई है, पता चल रहा है कि भाई कोई दूसरे देश का, सीरिया का आकर यहाँ पर नौकरी मांगने लगे, नहीं चलेगा। अफगानिस्तान के नहीं चलेंगे, बांग्लादेश नहीं चलेगा भाई। तो लोक नियोजन में समानता का अधिकार हम विदेशियों को नहीं दे सकते। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ बनाना, भ्रमण, निवास करने की स्वतंत्रता क्या विदेशियों को दी जा सकती है? नहीं दे सकते। ये सब जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को दी जा सकती हैं, ये भी नहीं दे सकते। 29 और 30 की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो अधिकार दिए गए हैं भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दे सकते। तो इसलिए अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 और 19 ये केवल किसको मिले हुए हैं? ये केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। विशेष तौर पर नोट कर लेना, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलने वाले मौलिक अधिकार हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? तो मौलिक अधिकारों के बारे में हमने आपको बताया जो संविधान के भाग 3 में है भाई। इन मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो इनमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही। तो देखिए कई बार ऐसा आया कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, फिर कई बार आया कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
तो जब हो सकता तो 1978 में तभी तो हुआ, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, तो संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा जी, तो हमने आज मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मौलिक अधिकार बहुत गहरा विषय है, जितना चाहे आप उसकी गहराई में उतर सकते हैं। एक एक अनुच्छेद को कराने पर एक एक वीडियो बन सकती है, ये भी ध्यान रखना, हर एक अनुच्छेद एक वीडियो ला सकता है। तो इतना आपको गहराई में नहीं उतरना, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था कि आपको जानना चाहिए उतने को मैंने एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। अभी देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए परफेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर अनुच्छेद एक वीडियो के लिए जगह उपलब्ध कराता है, एक अनुच्छेद पर एक घंटे लगातार लेक्चर दिया जा सकता है। तो इतने बड़े को हमने एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। आपका कमेंट होगा, आपका लाइक होगा तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, आगे भी ऐसे ही प्रयास हम जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।